मैं उड़ीसा की सम्मानित मीडिया के माध्यम से उड़ीसा प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ना सिर्फ आपके उड़ीसा प्रदेश में बस बल्कि पूरे देश में लंबे समय तक शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों में विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने लगभग 50 वर्षों तक शासन करने का काम किया, लेकिन उड़ीसा प्रदेश की दलित आदिवासी और पिछड़े समाज की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से छुटकारा नहीं मिला। रोजगार उनको नहीं मिला, उत्तम शिक्षा नहीं मिली, उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिला, और आज भी उड़ीसा जैसा प्रदेश जो खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी यहाँ का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। दलित आदिवासी और बाहर से के प्रदेशों से आने वाले उद्योगपति यहाँ पर अपने उद्योग लगा करके, उनका शोषण करके, दोहन करके वो अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर एक अच्छे खासे नंबर के साथ ताकत में आती है तो इस प्रदेश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोगों के हित में उसी तरीके से काम करेगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने अपने चारों बार के प्रदेशों में, चारों बार की सरकारों में किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बनाई, खास तौर से जब 7 से 12 की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई, तो बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को बैकलॉग के माध्यम से नौकरी देने का काम किया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया, गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया, गरीब की बेटी को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये एक साइकिल देने का काम किया, और गरीबों को लाखों हेक्टेयर जमीन कृषि के रूप में पट्टा देने का काम किया, आवास के लिए पट्टा देने का काम किया, और लाखों आवास, 2 कमरे के आवास उन्होंने मानवर श्री कांसीराम साहब आवास योजना के अंतर्गत शहरों में और महामाया आवास योजना के अंतर्गत गरीब गाँव में देने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर MLA और MP जिताने का काम करती है तो मैं इतना आश्वासन देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भांत, उत्तर प्रदेश के मॉडल की तरह उड़ीसा प्रदेश में भी दलित, पिछड़े आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। आप जानते हैं वर्तमान 2024 साधारण निर्वाचन होगा जाऊँगी, यही परिप्रेक्षी में बहुजन समाज पार्टी ओडिशा राज्य शाखा तरफ आज आपण सम्मुखें आम राष्ट्रीय महासचिव पूर्वतन सांसद से आपण मानकर आम प्रथम द्वितीय चरण प्रत्याशी मानक आप आगे घोषणा कले आम आशा रखिचु यही प्रार्थी मैंने नमिनेसन होज अंचल बहुजन विचारधारा पहुँचे आ बहुजन समाज किपर संगठित हे एकता हे बहुजन समाज समस्या केमी दूर हे सरकार केमी राज्य तथा केन्द्र बनवा से प्रयास करी आम विधानसभा तथा लोकसभा को प्रत्याशी पठा करने आम प्रस्तुत जारी रखिचु। ओडियार मुदा तो आपण मैंने जानते ये गरीब शिक्षा स्वास्थ्य विशेष अभाव देखा जाऊँ सरकार जाणीशुणी आज दीर्घ कांग्रेस BJP 50 वर्ष रु ऊर्ध है शासन कर किंतु कौन सी समाज अवहेलित दलित पतित लोक मान समस्या को समाधान करना लॉ एंड ऑर्डर मध्य ठीक भाव से मेंटेन करूर जना पड़े तेलिया मूल में तेल देला बोल कर सरकार किसी मुष्टिमय लोक मान किसी सरकारी कर्मचारी मान आज सरकार तक शासन चल विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य इत्यादि दे लोक मानू पाठपढ़ वंचित पाठ शिक्षार प्रभावटा आम देश में आम राज्य में बहुत अवहेलित हो पड़ रही यही सब को आम दृष्टि देवाई आज बहुजन समाज पार्टी आज दृढ़ परिकर आर चलित 2024 निर्वाचन चयन आम निश्चय किसी प्रत्याशी जीते आम विधानसभा को पठेवा तथा लोकसभा को पठे आज सरकार गढ़ आम निश्चय प्रयास कर।